स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास सिंह ठाकुर, मैं हूं आपका मैथ्स का फैकल्टी। आज हम स्टूडेंट कंटिन्यू करने वाले हमारी क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट स्टूडेंट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपको इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बताऊंगा कि इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं, तो स्टूडेंट संख्याएं पढ़ने से पहले हमने जितना भी चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है, गणित में पढ़ना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि हमारा जो मैथ्स है उसमें अंक क्या होते हैं और स्टूडेंट संख्याएं क्या होती है, सबसे मेन चीज जो हमारी होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैथ्स का जो भी फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट वो अंकों से होता है और संख्याओं से होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यही पता होना चाहिए कि अंक क्या होती है और संख्याएं क्या होती है, सभी को हम पढ़ पाएंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है, समझ गए स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अंक के साथ। तो अंक क्या होते हैं, तो स्टूडेंट अंक क्या होते हैं, तो गणित में यानी मैथ्स में किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, उन प्रतीकों को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ये बात क्लियर स्टूडेंट। गणित सब्जेक्ट में यानी गणित विषय में स्टूडेंट किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। कैसे स्टूडेंट, जैसे मान लो मैंने लिखा जीरो, जेड ई आर ओ, तो सर ये तो आपने इंग्लिश में लिखा है तो मैथ में कैसे लिखते हो स्टूडेंट, ऐसे लिखते हो ना, और वन ओ एन ई वन लिखा स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या सिंबल यूज करते हो, ये तो ये सिंबल, ये प्रतीक। तो स्टूडेंट गणित में किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उनको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं अंक। और अंक कितने होते हैं सर, अंक 10 ही होते हैं गणित में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है स्टूडेंट, तो अंक कितने होते हैं मैथ में सर, अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। समझ गए स्टूडेंट, तो जो मैथ है यानी गणित है स्टूडेंट उसमें अंक तो निश्चित है, अंक तो 10 ही होते हैं। अब संख्याएं क्या होती हैं सर, अंकों को आपस में मिलाने से जो बनती हैं इनको हम कहते हैं संख्याएं। समझ गए स्टूडेंट, यानी अंक आपस में मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। ये बात याद रखना स्टूडेंट, अंक कितने हैं सर, अंक तो 10 ही है लेकिन संख्याएं क्या हो सकती है स्टूडेंट, संख्याएं आपकी अनगिनत हो सकती है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 11, 12 आप कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट, संख्याएं अनगिनत बना सकते हो किनका प्रयोग करके, इन अंकों का प्रयोग करके, लेकिन अंक स्टूडेंट आपके 10 ही रहेंगे। जैसे बाकी सब्जेक्ट से स्टूडेंट उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ आपको, हिंदी में हमारे कितने लेटर होते हैं स्टूडेंट, स्वर स्वर और व्यंजन दोनों को मिला लेंगे स्टूडेंट, है ना, का से लेके का से कबूतर से ग्या से ग्यानी तक और छोटा आ से लेके आ तक जितने भी होते हैं मिला के टोटल जो आपके 52 होते हैं स्टूडेंट वर्ड, वो फिक्स है लेकिन जितने भी शब्द बनेंगे स्टूडेंट वो उन 52 वर्डों से ही बनेंगे, उन लेटर से बनेंगे। हमारे इंग्लिश में स्टूडेंट कितने लेटर होते हैं सर, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, तो जितनी भी स्पेलिंग बनेगी इंग्लिश में वो किससे बनेगी स्टूडेंट, इन 26 अक्षरों से ही बनेंगी, यानी इन 26 लेटरों से ही बनेंगी। इसी तरीके से मैथ में स्टूडेंट यानी गणित में अंक कितने होते हैं सर, अंक तो 10 ही होते हैं 0 से लेके 9 तक, और जितनी भी संख्याएं बनेंगी स्टूडेंट वो किन से मिलकर बनेंगी, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनेंगी, इनके अलावा वो और किसी अंकों से मिलकर नहीं बन सकती। चलिए स्टूडेंट एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा स्टूडेंट 12, कितना लिखा 12, मैंने लिखा 141, ठीक है स्टूडेंट 12 लिखा 141 लिखा और मैंने लिखा 3, 4, 2, 5 मतलब 3425। अब मैं स्टूडेंट आपसे पूछूं, बताओ ये संख्या में कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे सर इस संख्या में 2 अंक हैं, है ना, 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर, पढ़ाया ना 2 अंकों की संख्या क्या होती है जिसमें इकाई भी होता है और दहाई भी होता है, तो सर ये एक ऐसी संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी है, तो अंक कितने हो गए स्टूडेंट 2 हो गए, लेकिन संख्या कितनी स्टूडेंट, संख्या 1 ही है, याद रखना। इसको देखो स्टूडेंट 141 को, अंक कितने सर 1, 2, 3, अंक तो 3 है सर लेकिन संख्या क्या है, संख्या 1 ही है, याद रखना स्टूडेंट, अंक और संख्या पढ़ना भी हम, अंक क्या होते हैं, कोई भी संख्या जितने अंकों से मिलकर बनती है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, उसके अंक होते हैं। जैसे 12, 12 सर 2 अंकों से मिलकर बना है, 2 से और 1 से, ठीक है, इकाई और दहाई। 141 कितने अंकों से मिलकर बना है सर, 3 से, इकाई दहाई और सैकड़ा, इजी पढ़ते स्टूडेंट, है ना, तो 1, 4 और 1 तो कितने अंक होगा, 3 अंक होगा।
3, 4, 2, 5 की बात करें यानी 3425 सर, इसमें कितने अंकों का यूज हुआ? 1, 2, 3, 4 और संख्या कितनी है? एक ही है। तो सर संख्या एक ही है लेकिन कितने अंकों से मिलकर बनी है? 4 अंकों से मिलकर बनी है। तो स्टूडेंट दुनिया की कोई भी संख्या इन 10 अंकों से मिलकर ही बनती है। चलिए कुछ और चीजें पढ़ता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ स्टूडेंट। जैसे मान लो मैंने आपको बोला बताओ 1 से लेकर 30 तक में, कहाँ तक स्टूडेंट? 1 से लेकर 30 तक में कितने अंक होंगे और कितनी संख्याएं होंगी स्टूडेंट? इस क्वेश्चन का बताना है आपको आंसर। 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं होंगी और कितने अंक होंगे? तो सर आप बोलोगे 1 से लेकर 30 तक में संख्याएं तो सर 30 होंगी लेकिन अंक कितने होंगे? अंक का पता लगाओ। तो सर अंक का पता कैसे लगाएंगे? सर 1 से लेकर 9 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9, तो उनमें अंक भी कितने हो जाएंगे? 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर सर एक एक अंक के होते हैं यानी कि एक एक डिजिट के होते हैं लेकिन 9 के बाद 10 आता है। 10 कितने अंकों की संख्या स्टूडेंट? 2 अंकों की संख्या है। तो 10 से लेकर कहां तक स्टूडेंट? 30 तक सारे अंक कितने अंक होंगे? सर सबके सब 2 अंकों की संख्याएं होंगी। तो स्टूडेंट मैं काम करता हूँ 10 को छोड़ देता हूँ, मैंने मान लिया 11 से लेकर 20 तक है ना, 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक। तो 11 से लेकर 20 तक जितनी भी संख्याएं होंगी स्टूडेंट उन सब में कितने कितने अंक होंगे? 2-2 अंक होंगे। तो 11 से लेकर 20 तक 10 संख्याएं होती हैं और सब में 2-2 अंक है तो 10 × 20 तो 20 अंक यहां पर होगा। फिर स्टूडेंट 21 से लेकर 30 तक भी कितनी संख्याएं होंगी? सर 21 से लेकर 30 तक भी 10 संख्याएं होंगी और सब में 10-10 अंक होंगे तो वो भी कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 10 × 20 हो गए। और एक जो हमने छोड़ दिया था स्टूडेंट, किसको छोड़ दिया था? 10 को, याद रखना मैंने यहाँ पे 10 नहीं लिखा है। तो 10 में कितने अंक हो गए सर? 2 अंक हो गए। तो 20 और 20 40 हो गए स्टूडेंट। 40 और 9 कितने हो गए स्टूडेंट? 49 + 2 जो बचे थे 10 के, 49 और 2 कितने हो गए स्टूडेंट? 51। मतलब सर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में संख्याएं 30 होती हैं लेकिन अंक कितने होते हैं? अंक 51 होते हैं। समझ रहे स्टूडेंट? तो सबसे पहले आपको तो ये पहचानना सीखना स्टूडेंट बेसिक में कि अंक क्या होती है और संख्याएं क्या होती है। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा स्टूडेंट और आप देखना उनके आंसर इंटरेस्टिंग आएंगे। मतलब सर ये कैसे होगा, ये इसमें इतने अंक होंगे तो संख्याएं कितनी होगी? चलो स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं एग्जांपल में लेता हूं। मैंने स्टूडेंट क्या लिख दिया एग्जांपल में, मान लो मैंने लिख दिया है 213 स्टूडेंट, क्या लिख दिया? 213 कुछ संख्याएं लिखता हूं और आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, ठीक है? जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा 1, 2, 3 याद रखना इनमें कॉमा लगा है सामने। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट 1, 2, 3 क्या लिखा? 1, 2, 3। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट 4, 5, 6, 9 और अब मैंने लिखा स्टूडेंट 12.412, ठीक है स्टूडेंट? ये आपके आगे संख्याएं लिखी हुई हैं। तो बताओ ये कितनी संख्याएं हैं? तो सर इन सब में कॉमा लगा है तो ये 3 संख्याएं, 3, 2 और 1 कितनी संख्या स्टूडेंट? 3 संख्याएं और सभी संख्याओं में कितने कितने अंक है? सर सभी संख्या में एक एक अंक है, कॉमा लगा है ना, 3 के बाद कॉमा लगा, तो ये एक अकेली संख्या एक अंक वाली, ये एक अकेली संख्या एक अंक वाली, ये एक अकेली संख्या एक अंक वाली। 123 को देखो सर, 123 संख्या तो एक ही है लेकिन ये कितने अंकों से मिलकर बनी? सर 3, 2 और 1 कितने अंकों का? 1, 2, 3 सर 3 अंकों से मिलकर बनी हुई एक संख्या। ये कितनी संख्या है सर? ये भी एक संख्या, 4569 और कितने अंकों से मिलकर बनी स्टूडेंट? 1, 2, 3, 4 4 अंकों से मिलकर बनी। 12.412 में कितने अंक होंगे? तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5 अंक होने चाहिए। तो ये गलत है स्टूडेंट, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद आप 0 लगा देते हो ना कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद के सारे नंबर अंकों में काउंट नहीं होते हैं। तो ये कितने अंकों की संख्या होगी स्टूडेंट? ये खाली 2 अंकों की संख्या होगी। बात क्लियर है? अगर पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लगे हैं तो पॉइंट से पहले के अंक संख्या में काउंट होंगे, गिने जाएंगे, बाकी के नहीं गिने जाएंगे। समझ गए स्टूडेंट? तो ये हमने थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ने स्टूडेंट? संख्याओं के बारे में। अब हमारे चैप्टर पर आते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो स्टूडेंट जो अब हमने संख्या पढ़ी है तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो स्टूडेंट जो हमारी संख्याएं होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। पहली क्या होती है? तो संख्याओं को स्टूडेंट हमने जिन 2 भागों में बांटा है ना, संख्याएं आपकी कितने भागों में बटी स्टूडेंट? 2 भागों में बटी है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे है ना, वास्तविक संख्याएं,
और एक स्टूडेंट आपकी होती है काल्पनिक संख्याएं। क्या होती है? इमेजिनरी नंबर। समझे स्टूडेंट? संख्याएं दो भागों में बंटी होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। समझ गए स्टूडेंट? तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है स्टूडेंट? आपका जितना भी नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पढ़ाया स्टूडेंट, जिसमें सारी के सारी संख्याएं आती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या। समझ गए स्टूडेंट? ये सब किसके भाग है? ये सब वास्तविक संख्याओं के भाग है ना। मेन इसमें क्या आता है? परिमेय और अपरिमेय को काउंट करते हैं। और काल्पनिक संख्या क्या होती है स्टूडेंट? वो संख्या है जिनकी कल्पना करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब 5+3 आयोटा, तो ये जो आयोटा लगा हुआ ये क्या बता रहा है स्टूडेंट? कि ये इमेजिनरी नंबर है। क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं के प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन वास्तविक संख्याओं के प्रकार होते हैं ना, जैसे आपका परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, पूर्णांक। समझ गए स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने पढ़ा सर अंक क्या होता है, संख्याएं क्या होती है, और संख्याओं को सर कितने भागों में बांटा गया है? संख्याओं को दो भागों में बांटा गया स्टूडेंट, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो हमारे लेक्चर का स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा मैं नंबर सिस्टम, यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है, उनको एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट? लेक्चर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।